है ब्रो, बोल चंपक। तुझे पता है मेरा दिमाग इतना तेज है ना कि मैं किसी भी सवाल का जवाब झट से दे देता हूँ। क्या बात कर रहा हाँ, और इसीलिए मेरे टीचर मुझे हमेशा बोलती है कि तू बड़ा होकर अल्बर्ट आइंस्टाइन बनेगा। है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, तू बड़ा होकर गधा ना बने। अच्छा ठीक है, तो तू एक सवाल का जवाब दे। पूछ। ये शर्ट कितने का है? 200 रुपये का। तो बता, 2000 रुपये में ऐसे ही कितने शर्ट आ जाएंगे? हाँ, 20। 20। ये ले 2000 रुपये, मेरे लिए ला देना। तो क्यों, है ना मेरा दिमाग तेज, 2000 फ्री के मिल गए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिमाग को बिजली की तरह तेज कैसे करें, और इस एपिसोड का नाम है नॉलेज। दिमाग की बत्ती जला दे। तो मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे दी अमेजिंग नॉलेज। यहाँ पर आप सिर्फ सीखते ही नहीं बल्कि अद्भुत ज्ञान को एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो आरंभ करते हैं आज के इस अध्याय को। देखो, जैसे पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक डेली रूटीन होता है, वैसे ही आपको अपने दिमाग को भी तेज करने के लिए आपके पास एक डेली रूटीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दिमाग तेज करने का जो रूटीन है वह शुरू होता है सुबह उठने से। आपको सुबह उठने के ठीक बाद 3 गिलास पानी पीना है। आपके घर में जो ग्लास है उसे उठाना और 3 गिलास पानी पीना। 1 गिलास लगभग 250 ml का होता है, तो 3 गिलास करीब 750 ml, जो कि परफेक्ट है। सुबह उठने के ठीक बाद आपको 3 गिलास पानी पीना है। ठीक बाद, इस वर्ड पर आप गौर कर रहे हो? ठीक बाद मतलब ब्रश करने के बाद नहीं, सुबह उठने के ठीक बाद। जैसे आपका नींद खुले तो सबसे पहले आपको पानी पीना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह सुबह आपके मुंह में सलाइवा यानी लार की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें एंजाइम, एंटीबॉडीज़, एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट्स जैसे ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। पानी आपके दिमाग के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। आपका दिमाग 80% पानी का बना होता है। थोड़ा सा भी पानी की कमी आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। कम पानी पीना आपके फोकस यानी आपके एकाग्रता शक्ति को कमज़ोर करता है, इसलिए पानी आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो आपने जाना वह तो हो गया सुबह का। आपको सिर्फ सुबह को ही नहीं बल्कि दोपहर, शाम और रात को भी पानी पीना है। जैसे आप सुबह को पानी पिए, उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर से आपको पानी पीना है, फिर उसके 1-2 घंटे के बाद, ऐसे ही आपको पूरे दिन पानी पीते रहना है। अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानो ब्रो, आपका दिमाग पहले जैसा तो कतई नहीं रहेगा। आपका दिमाग एकदम तेज हो जाएगा, जिससे आप किसी भी चीज़ को काफ़ी जल्दी समझने लगोगे और किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। इसलिए आप रेगुलर पानी जरूर पिए। पानी पीने के बाद फिर जो आपका स्टेप होगा वह है डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांसें लेना। सुबह सुबह गहरी सांसें लेने के चमत्कारी फायदे हैं। जब आप सुबह सुबह गहरी सांसें लोगे, सुबह सुबह, यहाँ पर मैं बार बार सुबह सुबह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह गहरी सांसें लेने से आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि सुबह सुबह माहौल बहुत ही शांत रहता है और सुबह सुबह गाड़ी घोड़े नहीं घोड़े नहीं गाड़ियाँ बहुत ही कम चलती है, जिससे सुबह सुबह पॉल्यूशन बहुत ही कम रहता है। और कम पॉल्यूशन में डीप ब्रीथिंग से काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। सुबह के समय गहरी सांसें लेने से आपके शरीर में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह केमिकल फीलिंग गुड केमिकल है। इसके नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, फीलिंग गुड मतलब आपको अच्छा फील होता है और आपका मूड अच्छा हो जाता है। जैसे माना आपको अभी पढ़ना है, तो अगर आपका मूड एकदम फ्रेश रहेगा, आप अपने पढ़ाई में एकदम 100% दे सकोगे। आप इसे पढ़ने से भी पहले कर सकते हो, और अच्छा फील होने से आपके दिमाग में जो स्ट्रेस होते हैं वह खत्म हो जाते हैं और डिप्रेशन वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता। इससे आपके दिमाग की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जानते हैं कि इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ज़मीन पर कुछ बिछा लेना है और आपको उस पर दोनों पैरों को मोड़कर बैठ जाना है, और फिर शुरू में लंबी लंबी सांसें लेना है और छोड़ना है। आपको कम से कम 20 से 30 बार लंबी लंबी सांसें लेना है और छोड़ना है। और उसके बाद आपको अपना राइट नोज अपने किसी भी फिंगर से बंद करके लेफ्ट नोज से 10 से 15 बार सांस लेना है, और उसके बाद अपने लेफ्ट नोज को किसी भी फिंगर से बंद करके 10 से 15 बार लंबी लंबी सांसें लेना है, और इसे आपको रोज करना है। इसके बाद आप अपने अंदर खुद इम्प्रूवमेंट देखोगे। अबे चंपक, तुझे कितनी बार बोला है बकरियों को बांध कर रखा कर।
और इसके बाद यानी डीप ब्रीथिंग के बाद आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। ध्यान आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान आपके दिमाग के साथ साथ आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। रोज मेडिटेशन करके आप अपनी उम्र को घटा सकते हो, मतलब आप अपनी उम्र को रोक सकते हो। जैसे आप 50 साल के भी हो जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप 30 से 32 साल के ही हुए हो। हमारे प्राचीन भारत के बहुत से साधु संत यह करके यानी ध्यान करके अपनी उम्र को रोके हैं और स्वस्थ जीवन बिताए हैं। मेडिटेशन करने के इतने चमत्कारी फायदे हैं जो आपको हैरान भी कर सकती है। ध्यान आपके दिमाग के जो बैड पार्ट्स होते हैं उसे खत्म कर देता है और जो गुड पार्ट्स होते हैं ना उसे इनक्रीज कर देता है। अगर आप रोज मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर अचानक एक सुपर पावर महसूस होने लगेगा। सुपर पावर मतलब आप उड़ने नहीं लगोगे। सुपर पावर यानी आपके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसे आप ध्यान से सुनना, मेडिटेशन आपके डर को भी खत्म कर देता है। अरे बाबूजी, ये असली भूत है। ध्यान आपके सभी बैड हैबिट्स को खत्म कर देता है और आपको खुशहाल बना देता है। और अगर आप अपने चेहरे पर एक अलग से चमक लाना चाहते हो और अपने दिमाग को काफी ज्यादा तेज करना चाहते हो तो रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान जरूर करो। मेडिटेशन आपके हर चीजों में फायदेमंद है। आपके शरीर को स्वस्थ रखना, आपके दिमाग को स्वस्थ रखना, स्ट्रेस, गुस्सा, एंजाइटी सब चीज के लिए यह फायदेमंद है। इसे करना कैसे है? तो आपको सुबह के समय जमीन पर कुछ बिछाकर बैठ जाना है। उसके बाद अपने हाथों को अपने गोद में रख कर बिल्कुल इस तरह और आंखें बंद करके शुरू में आप अपना ध्यान अपने सांसों पर लगाएं। याद रखें कि आपको अपने मन में कुछ नहीं बोलना है। आपके मन में जो बड़बड़ चलते रहती है उसे थोड़ा देर के लिए बंद कर देना है। आपको अपने मन में बड़बड़ नहीं करना है। देखो, आप बाहर बोलते हो उसमें भी एनर्जी लगता है और आप जब अंदर बोलते हो तो उसमें भी एनर्जी खर्च होता है। तो आप बाहर बोले चाहे अंदर, दोनों में एनर्जी खर्च होता ही है। तो आपके दिमाग में जो बड़बड़ चलते रहता है वह ज्यादा खतरनाक है। रोज ध्यान करके आप इस बड़बड़ को भी एकदम खत्म कर सकते हो। शुरू में आप अपने सांसों पर ध्यान देना और फिर धीरे धीरे करके आप अपने सांसों से भी ध्यान हटा सकते हो। ऐसे ही करके आपको कम से कम 10 मिनट तो मेडिटेशन करना ही है। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने मन में मैथ सॉल्व करना है। आपको अपने मन ही मन कैलकुलेशंस करना है, जैसे एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, यह सभी चीजें आपको अपने मन में ही करना है। इससे आपका दिमाग और भी ज्यादा डेवलप होगा। जिस तरह से आप कोई बाहरी काम को रेगुलर करते हो तो आप उस चीज में मास्टर हो जाते हो, तो उसी तरह से जब आप अपने मन में कैलकुलेशंस करोगे तो आपका दिमाग तेज होगा। और जब आप ऐसा रेगुलर करते हो तो देखते ही देखते आप किसी भी चीज को तुरंत सॉल्व करने लगोगे। मन में कैलकुलेशंस करना यह आपको जब समय मिले तब करना है। दोपहर, सुबह, शाम, रात, जब आपको समय मिले तब आपको करना है। इसके बाद आपको ऐसे गेम्स खेलना है जिसमें दिमाग का यूज हो। जैसे आप शतरंज खेल सकते हो या कोई पजल सॉल्व कर सकते हो। शतरंज में या पजल्स जैसी चीजों में आपके दिमाग का ज्यादा यूज होता है। और अगर आप ऐसे ही गेम रोज खेलोगे तो आपका दिमाग एकदम तेज हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को करके आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ। और हाँ, सब्सक्राइब करके सामने वाले घंटे को भी बजा देना। इस चैनल पर मैं खाना बनाना सिखाता हूँ, इस चैनल पर आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में भगवान के आशीर्वाद से। और चंपक, चल मेरे 2000 दे।